गुड आफ्टरनून एवरीवन. अच्छा, लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे उन्होंने पढ़ लिया गवर्नमेंट ग्रांट. ठीक है, यूट्यूब पे भी लेक्चर डल गया था, वहाँ से देख लिया होगा सबने, नहीं तो आपके दोस्तों ने बताया होगा. दोस्त होते किस लिए हैं, और अगर नहीं बताया तो आज उन दोस्तों को छोड़ दो किसी काम के लिए. बताओ, ऐसे दोस्त तो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हैं. हाँ, तो AS 12 हमने पढ़ा था. क्या बता रहा था AS 12 किसके बारे में? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमें मिली है गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट का मतलब क्या था? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर बॉडी एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से मिलने वाली कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं? ग्रांट की. तो हमने कहा था ग्रांट वैसे तो डोनेशन जैसी लगती है कि हमें गवर्नमेंट से कुछ मिला है, लेकिन ग्रांट और डोनेशन में एक छोटा सा फ़र्क है. वो क्या? डोनेशन को कभी वापस नहीं किया जाता और डोनेशन के साथ कंडीशन नहीं आती, लेकिन ग्रांट अपने साथ कंडीशन लेकर आती है, और अगर वो कंडीशन आपने पूरी नहीं करी तो फिर ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा. तो हमने सीखा था कि जो हम मंदिर में दान पेटी में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन. उसके साथ हम कोई कंडीशन नहीं लगाते कि भगवान अगर तुमने ये बात पूरी नहीं करी तो ये दान पेटी से हम निकाल करके वापस ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता. लेकिन ग्रांट के केस में ऐसा होता है. गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी मदद कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये पैसा कहाँ कहाँ यूज़ करना है, वहीं पर यूज़ करोगे, नहीं करोगे तो फिर वापस ले जाएंगे. तो गवर्नमेंट ये जो हमारी मदद करती है एज़ ग्रांट, ये कितने तरीक़ों से करती है? तीन तरीक़ों से. एक, हमें ग्रांट मिल सकती है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, या फिर हमें ग्रांट मिल सकती है रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, या फिर हमें ग्रांट मिल सकती है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है गवर्नमेंट ने कहा जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ परसेंटेज हम कर देंगे. क्या इसके बदले में हम गवर्नमेंट को ओनरशिप दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं? नहीं. अगर गवर्नमेंट मदद के बदले ओनरशिप ले रही है फिर हमने कहा वो ग्रांट नहीं है, वो तो फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट है. आपने कंपनी में इन्वेस्ट करा, ओनरशिप आपको मिल गई. 20% इन्वेस्ट करा, 20% की ओनरशिप आपकी. ये नहीं, ग्रांट का मतलब आपने कंपनी में सपोज 20% इन्वेस्ट करा, बदले में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया, तब हमने कहा गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? ग्रांट. ऐसी होगा ना, किसी की मदद कर रहे हो और बदले में कह रहे हो ये भी दे दो, तो मदद हुई? फिर कैसी मदद हुई? वो तो आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं इतना कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम इतना कर देना. मदद का क्या मतलब हुआ? हम दे रहे हैं बदले में कुछ ले नहीं रहे. तो अगर गवर्नमेंट ऐसी मदद करेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ शेयर हमें दे देगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. और जब ये ग्रांट मिलती है तो क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. और अगर बाद में हमने कोई कंडीशन पूरी नहीं करी, सपोज वो जो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया बिजनेस में लगाओ, हमने उससे डिविडेंड्स दे दिए, क्या हम दे सकते थे? नहीं, पैसा बिजनेस में यूज़ करना था, हमने डिविडेंड दे दिए, तो हम बोलेंगे कंडीशन वायलेट हो गई. तो क्या होगा? ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा. रिफंड करना पड़ेगा तो एंट्री क्या बनाएंगे? कैपिटल रिजर्व टू बैंक. ग्रांट मिली थी, बैंक टू कैपिटल रिजर्व, वापस जा रही है कैपिटल रिजर्व टू बैंक. दूसरा नेचर, ग्रांट और कैसे मिल सकती है? सपोज गवर्नमेंट ने कहा आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो, गरीबों का इलाज कम रेट पर कर रहे हो, ऐसा करो आपका जितना स्टाफ है उसकी जितनी सैलरी आप देते हो 50% हमसे ले लो.
तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा इस पैसे का कुछ भी करो, क्या कहा, इस पैसे को ले लो, स्टाफ की सैलरी में इसका कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो जाएगा। तो सपोज स्टाफ की टोटल सैलरी है 10 लाख, गवर्नमेंट ने उसमें से हमें 4 लाख दे दिए। गवर्नमेंट ने कहा 4 लाख हम दे देते हैं, 6 लाख आप बियर कर लो, टोटल सैलरी हो गई 10 लाख। तो ये जो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया, इसको बोलते हैं ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स मतलब वो वाले खर्चे जो रेगुलरली हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने मुझे दिए 4 लाख रुपए टूवर्ड्स स्टाफ सैलरीज, तो जब ये पैसे मिले तो एंट्री क्या डालेंगे, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, पहली एंट्री तो ये है, पैसा मिला है ग्रांट की वजह से, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट। अगली एंट्री क्या बनानी है, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है रेवेन्यू कैपिटल अप्रोच या कैपिटल वर्सेस इनकम अप्रोच। ये जो हमें मिली है ग्रांट, इसको आगे कहाँ लेकर जाना है, 2 तरीके हैं, या तो P&L में दिखाओ इनकम, या फिर सैलरीज के खर्चे को कम कर दो। या तो ऐसे करो, P&L में डेबिट करो सैलरी 10 लाख भाई, या तो ऐसे कर लो, P&L बनाया आपने, इसमें आपने लिखा सैलरीज 10 लाख, साथ में लिख दो बाय गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, P&L बनाया, इसमें लिखा 2 सैलरीज 10 लाख, फिर यहाँ से माइनस कर दो, लेस हमें मिल गई गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख, तो सैलरीज पर हमारा खर्चा कितना हुआ, 6 लाख का, कैसे भी कर लो। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली। दूसरी एंट्री, या तो गवर्नमेंट ग्रांट टू एक्सपेंस, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L। और अगर आगे जाकर ये ग्रांट हमें वापस करनी पड़ी तो फिर क्या एंट्री बनाएंगे, तो जो एंट्री हमने करी है उसका रिवर्स कर देंगे, सिंपल है, रिफंड करना है, मतलब जो एंट्री आपने बनाई है उसका रिवर्स कर दो। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी, ये कौन सी ग्रांट है जो हमें मिलेगी विद रेफरेंस टू PPE, क्योंकि जहाँ पर हमारे एसेट्स ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और हम कुछ उससे ऐसा कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी का भी फ़ायदा हो सकता है, जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना, तो कोई कंपनी इस केस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, एसेट खरीदना है, एसेट है 40 करोड़ का, तो इंडियन गवर्नमेंट विल से, सेंट्रल गवर्नमेंट विल से 15 करोड़ इसमें आप हमसे ले लो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप ये काम करो, हम चाहते हैं इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएं, हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो भी 40 करोड़ का एसेट है आपका, आप इसमें से 15 करोड़ हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं टूवर्ड्स दिस एसेट। तो हम पहले एसेट खरीदते हैं, गवर्नमेंट बाद में कंट्रीब्यूट करती है, तो पहले हम एसेट खरीदते हैं, तो क्या एंट्री बनाते हैं, तो हमने बनाया भाई फिक्स्ड एसेट टू बैंक, सपोज 40 करोड़, 40 करोड़ का एसेट था, अब गवर्नमेंट ने कहा 15 करोड़ हमसे ले लो, तो क्या एंट्री बनाएंगे, हमने कहा 2 ऑप्शन है, या तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, या फिर अलग अकाउंट में डाल दो जिसका नाम है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर अल्टीमेटली क्या करोगे उस अकाउंट का, धीरे धीरे उसको P&L से राइट ऑफ करते रहना। कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो AS 12 ने कहा ऑन सिस्टमैटिक बेसिस, और सिस्टमैटिक बेसिस को फिर हमने खुद समझा इसका क्या मतलब हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हो वैसे ही ग्रांट को भी आगे P&L में लेके जाओ।
तो अगर SLM लगाते हो डेप्रिसिएशन, तो ग्रांट को भी इक्वली लेकर जाओ. और अगर WDV लगाते हो तो क्या करेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था, पहले सारा WDV डेप्रिसिएशन लगाओ, निकालो, फिर उस रेशियो में ग्रांट को जो है P&L में लेके जाओ. तो पहले तो हमने एसेट खरीदा, फिर हमें ग्रांट मिली, तो या तो एंट्री बनाएंगे बैंक टू फिक्स्ड एसेट, सपोज 15 करोड़ की ग्रांट हमें मिली, पहला ऑप्शन, फिक्स एसेट की कॉस्ट को हमने रिड्यूस कर दिया. दूसरा ऑप्शन, क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर हर साल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L अकाउंट ऑन सिस्टमैटिक बेसिस. ठीक है, अब अगर आगे जाकर हमने कोई कंडीशन पूरी नहीं करी और ये ग्रांट हमें रिफंड करनी पड़ी, तो क्या एंट्री बनाएंगे. तो देखो, अगर हमने ग्रांट मिलने पर ये एंट्री बनाई थी, तो रिफंड करने पे क्या बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक. ग्रांट मिली, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, रिफंड करनी पड़ी, तो भाई फिक्स्ड एसेट टू बैंक. और अगर ग्रांट मिलने पर हमने ये एंट्री बनाई थी, तो फिर रिफंड पे क्या बनाएंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक. अब अगर ग्रांट रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से और हम इसको कर रहे हैं रिफंड, तो एक चीज पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, रिफंड करने वाले साल में डेप्रिसिएशन पर फोकस करना होगा. क्योंकि जैसे ही हम रिफंड कर देते हैं, और अगर हम फर्स्ट मेथड में हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इसका भी एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में करके देखा था कि भाई अगर ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा आगे जाके, फिर उस साल की डेप्रिसिएशन पे ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक वैल्यू है वो बदल जाएगी. अब जैसे मैंने एंट्री डाली फिक्स्ड एसेट टू बैंक, बुक वैल्यू बदल गई, तो इसलिए इस साल और आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलेगा. और फिर AS 12 ने एक चीज़ हमें सिखाई थी, ग्रांट को बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करोगे. दो बातें थी, कब कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ग्रांट को, AS 12 ने सिखाई थी कि कब कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ग्रांट को किताबों में. क्या थी दो बातें, नहीं, जब सर्टेनिटी हो, और याद है कुछ हमने कहा था रीजनेबल अश्योरेंस हो. हमने कहा यहाँ इंडिया में वादे बड़े होते हैं पर मिलता कुछ नहीं, तो भाई पॉलिटिकल लीडर्स वादे कर रहे हैं कि हम आपको देंगे, उस वादे के बेसिस पे बुक्स में कुछ मत दिखाना. तो पहली चीज़, आपको अश्योरेंस होनी चाहिए कि ग्रांट हमें मिलेगी. दूसरी हमें हमारे पे ये भरोसा होना चाहिए कि हम जो ग्रांट के साथ कंडीशंस आ रही हैं वो पूरी करेंगे. तो अगर हमें लगता है कि हाँ हम ये कंडीशंस पूरी करेंगे, और दूसरा सर्टेनिटी है कि ग्रांट हमें मिलेगी, तब ही हमें ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, अदरवाइज हमें इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है. ठीक है, और कुछ सीखा था इसमें, इतना ही हमने सीखा था, मेन सारा AS 12, और होमवर्क क्वेश्चन मिले थे वो कर लिए होंगे. कौन कौन से थे, Question 1, Question 2, और भी कोई था, बस दो ही क्वेश्चन करने थे. अच्छा, तो चलो आंसर मिला लो फर्स्ट और सेकंड का, उम्मीद है सबने सही किया होगा. देखिए Question 1 चेक कर लीजिए, तो Question 1 में हम कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने ग्रांट को
एसेट के अमाउंट से रिड्यूस कर दिया। तो देखो, एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, ग्रांट मिल गई 10 लाख की बैंक टू फिक्स्ड एसेट। फिर उसके बाद लगाएंगे डेप्रिसिएशन, कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ नहीं लिखा तो भी SLM से लगाएंगे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। देखो अमाउंट क्या 7 लाख आ रहा है, कैसे निकालेंगे? 40 लाख, एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 40 लाख। क्यों? 50 लाख का एसेट था, 10 लाख की ग्रांट मिल गई, तो एसेट हमें तो पड़ रहा है 40 लाख का। माइनस कर दिया स्क्रैप 5 लाख अपॉन में 5 ईयर्स, SLM कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में एंड डेप्रिसिएशन आ गई 7 लाख। फिर इसको हम P&L में ले गए और अगले साल भी एंट्री बनानी है सेकेंड ईयर में, तो किसकी बनेगी? सिर्फ डेप्रिसिएशन की। तो भाई डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, P&L टू डेप्रिसिएशन। नरेशन चेक कर लेना, नरेशन लिखनी है पेपर के अंदर। जर्नल एंट्री बनाने का क्वेश्चन आएगा तो नरेशन पक्का लिख कर आनी है, देख लो, बिल्कुल आसान नरेशन है। फिक्स्ड एसेट खरीदा तो क्या लिखा? बीइंग फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड। फिर हमें ग्रांट मिली तो क्या लिख दिया? बीइंग ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाई, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, मेथड जरूर लिख देना, नरेशन में लिखेंगे कौन सा मेथड लगाया। फिर P&L टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L। अगली दोनों साल नरेशन सेम है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एज पर SLM एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L। हमारे क्लासरूम में नरेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर नरेशन के साथ इनवॉइस नंबर लिखा जाता है, तो हम लोग क्लास में नहीं लिखते, पेपर में नहीं लिखते, रियल लाइफ में इनवॉइस नंबर लिखा होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए नरेशन की इम्पोर्टेंस है कि जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने एसेट खरीदा तो उसका जो इनवॉइस है वो नंबर वहाँ पर आपको लिखना होता है, क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स के अंदर हम कुछ भी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके साथ क्या चाहिए होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं वाउचर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वाउचिंग। तो कभी ईयर एंड में आपकी कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हो, बोल सकते हैं बिजी हैं, किस काम में? वाउचिंग कर रहे हैं। तो वाउचिंग का मतलब क्या है? ऑडिट में कौन सा पार्ट कर रहे हैं? वाउचिंग मतलब हम क्लाइंट की बुक्स ऑडिट कर रहे हैं, और उसमें क्या चेक कर रहे हैं? जो जर्नल एंट्रीज हुई हैं सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं। तो आप लोग ऑडिट में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाउचिंग। वाउचिंग मतलब वाउचर्स को चेक करना। वाउचर्स क्या होते हैं? यही हमारी इनवॉइस स्लिप्स। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या है? हमने ग्रांट को डाल दिया डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। अब आप देखो, चेक करो जर्नल एंट्रीज, बिल्कुल टॉप पर ये ज़रूर लिखना, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जिसकी भी बुक्स में है वो हम बिल्कुल टॉप पे लिखेंगे। तो देखो जर्नल एंट्री, पहले हमने एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, ग्रांट मिली, दूसरा ऑप्शन हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला, बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। फिर डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अब बताना अमाउंट कैसे निकालेंगे? आसान है, 50 लाख हो गई अब कॉस्ट जितनी है, माइनस किया हमने 5 लाख अपॉन में 5 ईयर्स, 9 लाख। पहले अमाउंट आ रहा था 7 लाख, सेकेंड मेथड में आ रहा है 9 लाख। फिर P&L टू डेप्रिसिएशन 9 लाख, फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L। ये एंट्री भूलना नहीं, ध्यान रखना, एंट्री ज़रूर बनानी है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L, गवर्नमेंट ग्रांट टोटल है 10 लाख की,
डेप्रिसिएशन मेथड है SLM, तो SLM से ही ग्रांट को P&L में लेके जाएंगे। तो SLM का मतलब है सेम अमाउंट, तो 10 लाख की ग्रांट को 5 सालों में डिवाइड कर दो तो हर साल 2 लाख हम P&L में लेके जाएंगे। हाँ जी, स्क्रैप एसेट का है, गवर्नमेंट ग्रांट का नहीं। हाँ ग्रांट, देखो ये जो है 10 लाख रुपए, ये मेरा पैसा है ग्रांट का, 10 लाख रुपए मुझे ग्रांट मिली। अब ये 10 लाख रुपए मैं ग्रेजुअली दिखाऊंगी P&L में इनकम साइड पर। देखो अगर मैंने एंट्री बनाई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L, तो P&L में मैंने क्या लिखा, बाय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अगर एंट्री है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L, P&L में लिखा बाय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। इनकम है क्या एक्सपेंस है, इनकम है, मैंने क्रेडिट साइड पर लिखा इनकम। एक ऑप्शन में आपको बोल रही हूँ इनकम मैं लिखूंगी टोटल 10 लाख, और एक ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि क्या हम इसमें से स्क्रैप माइनस कर दें, तो फिर वो आ जाएगा 5 लाख। तो बताओ इनकम 10 लाख है कि 5 लाख, 10 लाख। तो स्क्रैप एसेट का है, ग्रांट का नहीं है, तो ग्रांट में से कभी स्क्रैप माइनस नहीं होगा। तो ग्रांट को कैसे एलोकेट करेंगे, 10 लाख की ग्रांट को 5 ईयर्स में, समझे। हाँ ठीक है, तो हमने सिर्फ सिस्टमैटिक बेस लिया, और CA वाले बच्चों के लिए फिर अब ये नहीं होता फॉर्मूला कि जी आंधी आए तूफान आए हम तो ये करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय एन। CA वाले बच्चे, क्योंकि CA स्टूडेंट कौन है, पर्सन विद हाईएस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। CA वाला बच्चा क्या कहता है, आंधी आई बदल दो सिस्टम, सुनामी आया बदल दो सिस्टम। हम क्या नहीं बदलते, बेस नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, बाकी चीज़ें बदल देते हैं। तो हमने ये भी SLM ही लगाया 10 लाख अपॉन में 5, पर यहाँ हमने स्क्रैप माइनस नहीं करा क्योंकि वो एसेट की बात थी, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, तो हर साल 2 लाख। अब बताना सेकंड ईयर में कौन कौन सी एंट्री आएंगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, P&L टू डेप्रिसिएशन, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L। चेक कर लें, हाँ यही तीनों एंट्री हैं। ये नरेशन पे ध्यान देना, इसको इस तरीके से लिखना है, बीइंग प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट ग्रांट टेकन टू P&L अकाउंट, इसको आप लिख लो उस एंट्री के साथ आराम से। तो तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें याद रहने वाला है, इसको लिखो एंट्री के साथ, नहीं तो भूल जाओगे। बीइंग प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट ग्रांट टेकन टू P&L अकाउंट। ठीक है, डन। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम, ऐसे हम कर ही नहीं सकते ना। मशीन एक है, एक ही रहेगी, एक ही मशीन है हमारी। 50 लाख का खर्चा है, 10 लाख मान लो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर दिया कि 10 लाख हमारी तरफ से ले लो, 40 अपनी जेब से खर्च कर दो। तो इसलिए दो मशीन नहीं है, एक ही मशीन है।
हाँ, जब हमने एसेट खरीद रखा हो या जब हमने कॉन्ट्रैक्ट दिखा रखा हो कि सप्लायर से हो चुका है, हमारा सिर्फ पोजेशन आना बाकी है. बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रांट आपको तभी देगी जब आपने कंफर्म्ड एसेट ले लिया है. आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि हम अभी खरीदेंगे, उस पे गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देती. आप पहले खरीद लो, पक्का हो गया, अब हम आपकी हेल्प कर देंगे. ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. एएस हमने पूरा कर लिया है. आज की पूरी क्लास में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे. जितनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म. ठीक है, तो जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की. तो आपकी बुक में पेज नंबर 88, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. हमने किया तो नहीं था ना लास्ट क्लास में, कर लिया था. रिफंड की एंट्री बनानी है, छोटा सा क्वेश्चन था. फिर हमने 4th कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 7. तीन क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा. तो इसमें देखो जो लास्ट लाइन है ना, हाउ यू वुड डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 17. इसमें अब आपको क्या बताना है, आपको रिफंड की ट्रीटमेंट तो बताना ही है. जर्नल एंट्री क्या करोगे, साथ में पता है क्या बताना है, चुपचाप पूछ डाला क्वेश्चन ने 2017 और फर्दर ईयर्स में डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा. तो ये जो क्वेश्चन है, आगे लाइन लिख दी ना, अज्यूमिंग दैट नो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2017, तो आपको ये भी बताना है कि 2017 में डेप्रिसिएशन कितना आएगा. तो ये बात क्वेश्चन की समझना. रिफंड की एंट्री भी बतानी है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बताना है 2017 का. और ये बताओ मेथड क्या बता दिया, क्वेश्चन है इन्होंने ग्रांट को कैसे ट्रीट किया है, ग्रांट को कैसे ट्रीट करा है, क्या ये क्वेश्चन ने बताया कि नहीं बताया. कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में, जहां लिखा है ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं. ये लाइन बता रही है हम फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं. अब आप आराम से देखो रिफंड की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन कितना आएगा. हाँ, तो अब आपको बताना है कि रिफंड के बाद डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा. कि हमने 2017 में ग्रांट रिफंड कर दिया है मई में, और ऑब्वियसली मई तक डेप्रिसिएशन चार्ज होता भी नहीं, डेप्रिसिएशन तो लास्ट में लगेगा. तो आपको ये बताना है उस साल का डेप्रिसिएशन भी कितना होगा. आराम से देखो, जल्दी मत करो. साल हमारा कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 17 को. तो कितने समय की डेप्रिसिएशन लगाओगे, पूरे साल की. क्या स्पेसिफाइड, देखो कैसे होता है, स्पेसिफाइड है यहाँ पे. जैसे क्वेश्चन ने लिखा ना 2017, इसका मतलब ये साल कौन सा है, कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर. अदरवाइज क्वेश्चन क्या लिखता, 17-18 या लिखता 16-17. तो जैसे ही लिख दिया 2017, यानी कि ये है कैलेंडर ईयर. तो
तो क्वेश्चन हमेशा बताएगा और ऐसे ही बताएगा, तो इसी को समझना है। तो 2017 मतलब कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर।
मई में तो सिर्फ ग्रांट रिफंड हुई है, डेप्रिसिएशन आप हमेशा 31 दिसंबर को ही लगाते हो, तो हमेशा आप लास्ट ईयर में लास्ट डे ऑफ द ईयर लगाओगे, ठीक है। अब ग्रांट मई में रिफंड हो गई तो फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई। हम वैल्यू ऐसे नहीं देखते कि अप्रैल में कितनी थी, मई में कितनी थी, जून में कितनी थी, जुलाई में कितनी थी। हम वैल्यू ऐसे देखते हैं 31 दिसंबर को क्या है, तो 31 दिसंबर को जो वैल्यू है उस पर लगा दो डेप्रिसिएशन। तो मई में वैल्यू बढ़ गई है ग्रांट के रिफंड की वजह से, तो वो ही रहेगी 31 दिसंबर तक। तो आप देखो वैल्यू बढ़कर फिक्स्ड एसेट की कितनी वैल्यू आ रही होगी, उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। तो पहले दो साल, रादर तीन साल, 2014 एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 15 लगाएंगे, 16 लगाएंगे। फिर उसके बाद मई 17 में एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे और फिर दिसंबर 17 में निकालेंगे डेप्रिसिएशन कितना इस साल का। हाँ, कुछ तो ऐसा ही आएगा, ये नहीं पता एग्जैक्ट ये या नहीं। तो देखो एक आंसर हमारे पास आया है कि भाई 2017 की डेप्रिसिएशन कितनी बता रहे हो, 914.41। हाँ, ये डेप्रिसिएशन कुछ कुछ ऐसा ही आना चाहिए। देखो आराम से किसका कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, बस 914.4। देखो डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होता रिफंड के बाद का कितना, रिफंड के पहले का कितना। डेप्रिसिएशन बताओ 2017 का कितना। डेप्रिसिएशन कभी ऐसे नहीं आता एसेट की परचेज से पहले कितना, सेल के बाद कितना। हम जब पूछते हैं भाई इस साल का डेप्रिसिएशन बताओ, तो आप सब कुछ एडजस्ट करो, एसेट की वैल्यू निकालो और उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। अब जो सवाल है कि क्या रिफंड के बाद का, तो भाई अगर रिफंड मई में हो गया और डेप्रिसिएशन लग रहा है दिसंबर में, तो ऑब्वियसली रिफंड के बाद का है ना। तो भाई पूरे साल में जो भी हो गया, एसेट परचेज हो गया, एसेट सेल हो गया, रिफंड ऑफ ग्रांट हो गया, सब कुछ देखकर लास्ट में निकालो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन कितना। हाँ बताओ, अलग आंसर बताओ। 1905600। और देखो किसका कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, आराम से देखना। WDV डेप्रिसिएशन है, रेट भी गिवन है, 20% का रेट चल रहा है, WDV से लगा रहे हैं। ग्रांट रिफंडेड कुछ नहीं लिखा, तो पूरा का पूरा रिफंड हो चुका है। आपको 300 लाख की ग्रांट मिली थी, क्वेश्चन कह रहा है ग्रांट रिफंड हो गई, मतलब सारे पैसे गए। तो ग्रांट रिफंड की वैल्यू, अगर कुछ पार्शियल रिफंड है तो क्वेश्चन बताएगा, कुछ नहीं है तो टोटल ग्रांट इज रिफंडेड बैक। थर्ड डेप्रिसिएशन आ गई 182.88। और देख लो किसी का और कोई अमाउंट आ रहा हो।
हाँ जी, करें चेक डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। तो देखो चेक करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। 182.88 तो आंसर आ गया, और कोई आंसर? 190.56 भी आंसर आ गया। और किसी का कोई अमाउंट आ रहा है? आपका कितना अमाउंट आया है डेप्रिसिएशन? हाँ तो बताओ, डिफरेंट बताओ। ये तो बड़ी गलत बात है अपने बारे में सोचना कि गलत ही होगा, ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए अपने बारे में। नहीं, आपने क्या आंसर निकाला बताओ? 164.75। तो फिर वो ही गलत ही होगा, गलत ही होगा। पता ही नहीं तो नहीं सोचना चाहिए ऐसा कि गलत ही होगा। देखते हैं क्या है सही आंसर। तो चलो चेक करते हैं भाई। देखो एसेट हमारा है 1500 लाख का एसेट हमारा आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट इन लाख्स ये आ रहा है हमारा 1500। हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली 300 लाख और हमने क्या कर दिया, एसेट की कॉस्ट में इसको हमने डाल दिया। तो इसकी वजह से एसेट की कॉस्ट बढ़ गई कि घट गई? घट गई। तो हमने कहा भी माइनस करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड 300 लाख्स। तो इसको हम बोलेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। कितने अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगेगा? 1200 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो 2014 में। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2014 बताओ कितने महीने के लिए लगेगा? 9 मंथ्स। पहला एरिया ऑफ मिस्टेक ये है, और ये ऐसा एरिया ऑफ मिस्टेक है कि ये गलत हुआ तो आगे सारा क्वेश्चन गलत। तो भाई 2014 हमने 1 अप्रैल में एसेट खरीदा था, ईयर जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, तो 2014 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन देखो कितनी आ रही है। कैलकुलेट करेंगे 1200 का 20% 9 मंथ्स के लिए। आप बता रहे हो 180। निकालते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 14 को। तो वैल्यू आ गई हमारी 1020। फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2015। वन ज़ीरो टू ज़ीरो का 20% टू ज़ीरो फोर। देखते हैं डब्ल्यू डी वी एज ऑन 31 दिसंबर 15। वन ज़ीरो टू ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो फोर डब्ल्यू डी वी। एट हंड्रेड एट वन सिक्स एट वन सिक्स। फिर लगाते हैं डेप्रिसिएशन 2016, क्योंकि मेथड डब्ल्यू डी वी है तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। 163.28 टू टू ज़ीरो।
तो ये हमने निकाला 816 का 20%। फिर हमें मिल गई WDV as on 31st December 16, 652.8। उसके बाद अगले साल रिफंड हो गई वापस, तो जब मिला था हमने एसेट में से माइनस किया था, जा रहा है पैसा वापस एसेट में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आगे आ गए ना हम लोग 31 दिसंबर के बाद अगले साल में क्या हो रहा है। हम लोग 2017 में आ गए, तो ऐड करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट कितना वापस किया, 300। ओहो, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बिगड़ा हुआ है तुम्हारा। ये बताओ, जैसे हमने यहाँ पर किया ये सारा, देखो 14 का हमने डेप्रिसिएशन निकाला, फिर हमने WDV निकाला, फिर 15 का डेप्रिसिएशन, फिर WDV। अभी मुझे क्या करना है, इसी अमाउंट पर 652.8 पर आगे लगाना था 20%। जैसे अभी तक हम इतने सालों में लगा कर आए, अब सिर्फ इस साल में फ़र्क क्या हो गया, ये रिफंड हो गया, तो ये ऐड करके फिर इस अमाउंट पे लगाऊंगी 20%। क्या करते हैं हम, हर साल का WDV निकालो और उस पर लगाते जाओ परसेंटेज। अभी हमने निकाला 1020, इस पर लगाया 20%, हमने कुछ चेंज नहीं करा, पूरा साल बीत गया। फिर 2015 पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमने 204 निकाला। फिर हम 2016 में आ गए, ऐसे हम 17 में भी हम सीधा लगाते 652.8 का 20%, पर क्योंकि इस साल ड्यूरिंग द ईयर रिफंड हो गया, तो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर से नया निकलेगा डेप्रिशिएबल अमाउंट। अभी आती हूँ आपके अगर पर, डेप्रिशिएबल अमाउंट फॉर 2017 952.8। अब निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर 2017 ये निकालना था हमें अमाउंट 190.56। तो 190.56 निकाला था सुजल, आपने भी ये निकाला था, अच्छा आपके फ्रेंड ने निकाला था और प्रेरणा ने निकाला था, तो दो बच्चों ने निकाल लिया था। आराम से अब आप चेक करो, देखो डाउट। हाँ अब आप पूछो, क्या पूछ रहे थे, अगर रिफंड कब हुआ होता। देखो 31 दिसंबर को होता तो फिर वहाँ पर हम क्या करते, हम ये मान लेते पहले रिफंड बाद में डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर तो हो तो एक आपने डिबेटेबल डेट ले ली, इसीलिए डेट क्वेश्चन ने आपको पहले की दी कि भाई मई में रिफंड हुआ है, तो ठीक है 31 दिसंबर से पहले रिफंड हो चुका है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ा दी गई है वापस 300 से, और निकाल लिया हमने डेप्रिसिएशन। हाँ तो भी यही करते, रिफंड है, रिफंड ऐड करो फिर लगाओ डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो 190.56, और इसके ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन फॉर 2017। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। फिर तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो सीए फाउंडेशन के, नहीं ना। देखो फिर से पहले इस बात को समझो, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, साल के एंड में। ये हमने सीए फाउंडेशन में डिटेल में करा, उससे पहले 11th क्लास में आपने करा होगा।
देखो यहाँ पर रिफंड ऑफ ग्रांट है, चलो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, मैं चेंज कर दूँ, बीच में एसेट परचेज होता है, एसेट सेल होता है, ठीक है, परचेज भी होगा सेल भी होगा, बीच में यहाँ पर आ गई हमारी गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट को मैंने बढ़ा दिया 300 से, अब मैंने देखा 31 दिसंबर को हमारे एसेट की वैल्यू क्या है। तो भाई 31 दिसंबर को जब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, हमारे एसेट की वैल्यू हो गई है 952.8। तो अब 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, इस अमाउंट का 20%। शायद जो मैं आप लोगों का डाउट समझ पा रही हूँ, आप दोनों का, शायद आपके माइंड में ये चल रहा है कि हमें ऐसे करना चाहिए, 652.8 का लगाएं 20% 2 महीने के लिए और 952.8 पर लगाएं 20% 10 महीने के लिए। ये देख रहे हो आप, इसमें थोड़ा सा साथ में ये भी देखो मेथड कौन सा चल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू। और हम लोग जब ये सेपरेट करते हैं कैलकुलेशन, इसका 2 महीने इसका 10 महीने, वो हम तब करते हैं जब हमारे पास 2 मशीन है। सपोज़ यहाँ पर ये होता, मैंने एक मशीन को सेल कर दिया, सेल ऑफ मशीन 300 लाख की मशीन मैंने सेल कर दी ऑन 31 मई, तो फिर मैं क्या करती, ये जो मशीन सेल हुई इस पे 2 महीने का डेप्रिसिएशन, बाकी बची हुई मशीनरीज पर पूरे 12 महीने, ठीक है। या सपोज मैंने बोला मैंने एक मशीन परचेज करी, किस दिन, 1 जून को, तो मैं क्या करती, इस मशीन पर 10 महीने का डेप्रिसिएशन, बाकी मशीन पर पूरे साल का। तो ये बात तब आती जब हमारे पास एक से ज़्यादा मशीन है, डिफरेंट कैलकुलेशन है। ये हमारी एक ही मशीन है और उसकी वैल्यू के अंदर हम ला रहे हैं चेंज। तो जब हम वैल्यू देखते हैं एक एसेट की, तो कब देख लेंगे, 31 दिसंबर को। मतलब आप इसको इस कॉन्सेप्ट से भी कंपेयर कर सकते हो जब होता है रीवैल्यूएशन। तो जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू को बढ़ाया या घटाया, तो वो जो भी वैल्यू है उस पर लगाया पूरे साल का डेप्रिसिएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने रीवैल्यूएशन किस दिन करा था, चाहे जून में कराओ, चाहे अगस्त में कराओ, चाहे सितंबर में कराओ, सिंगल एसेट है, रीवैल्यूड अमाउंट पर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब थोड़ी सी दोस्ती हो गई डेप्रिसिएशन से, धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन का की बातचीत कई चैप्टर्स में आएगी, क्योंकि कई चैप्टर के अंदर एसेट्स हैं, धीरे 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 दोस्ती हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही आप समझ गए, सेल होगा, परचेज होगा, डिफरेंट एसेट होगा, तब ऐसे करेंगे। एक एसेट है, उसी की वैल्यू बढ़ाई, तो पूरे साल का सेम अमाउंट पर 20%, ठीक है। देखो आप समझ गए, मेरे चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आई, आपके चेहरे पर भी आनी चाहिए कि हाँ भाई थोड़ी दोस्ती तो हो गई, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो एक तो ये स्टेटमेंट बना दी, और एक और पार्ट लिखोगे आंसर में, वो क्या होगा, रिफंड की जनरल एंट्री। तो जो रिफंड हो रहा है उसकी एंट्री भी लिख देंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड। और ये तो आप सब बना लोगे जनरल एंट्री, क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितना अमाउंट, 300 लाख।
तो देखो ये था छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन 4, 5। अब आराम से आगे देखो 6 और 7 हो गया। एंट्री एरी मशीनरी टू बैंक, हाँ देखो गवर्नमेंट को हमने पैसा वापस करा ना, गवर्नमेंट से पैसा लिया था तो हमने किया था बैंक टू मशीन, अब क्या कर दिया मशीन टू बैंक। ये डेप्शन तो हमने निकाल लिया ना, एंट्री पूछा नहीं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बताने की। कर लिया आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए, 6th भी और 7th भी, क्या बात है। तो आप धीरे धीरे और आगे बढ़ सकते हो, आपने कर लिया है तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। वो तो आप मुझे बताओगे अपना आंसर, आप अब रीचेक कर लो, थोड़े बच्चे और कर लें फिर मैं बताती हूँ क्या आ रही है। हाँ बस वैल्यू निकालना कब, रिफंड के बाद। क्वेश्चन करते चले जाएंगे जब तक आप लोग नहीं बोल देते बस मैम बस, अब हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे AS 12 का, तब तक हम करेंगे। तुम्हारी बस नहीं, ये वाली बस कि अब हम AS 12 का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ लिखो शॉर्ट में, तो लिखो कि क्या लिख कर आओगे पेपर में। हाँ तो ये देखो जो भी क्वेश्चन AS का है 5 मार्क्स का है, आप उस हिसाब से अपना आंसर सोचो। हाँ आप माइंड में आप बना के रखो कि आंसर आपके हिसाब से क्या लिखेंगे।
हाँ जी, रिफंड नहीं इसीलिए इस केस में जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वैल्यू बताओगे बिफोर डेप्रिसिएशन और साथ में बताओगे डेप्रिसिएशन इस साल का क्या रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ऐसे बनता है, वैल्यू बताओ इस साल क्या आएगी, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट बता दो। उम्मीद है क्वेश्चन सिक्स तो सबने कर लिया होगा और सब पहुंच गए होंगे सेवेंथ पर। तो जिसका हो जाए सेवेंथ आप आंसर बता सकते हो, बताना चाहो तो, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो फर्स्ट केस में वैल्यू कितना, 32 लाख और डेप्रिसिएशन 12 लाख। किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो बता सकते हैं, आराम से निकाल लीजिए। और सेकंड केस में, हाँ जी, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन 6 और वैल्यू 32। एट, आराम से निकालिए तसल्ली से, सेम आ रहा है। हाँ, जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, साथ में वैल्यू बतानी है फिक्स्ड एसेट की और डेप्रिसिएशन का अमाउंट। हाँ, वो तो एंट्री से ही वैल्यू इंक्रीज होगी ना, पहले हम एंट्री बनाएंगे फिक्स एसेट टू बैंक, तो फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई। हाँ, लिखना है पूरा कि ये वैल्यू जो निकाल रहे हो ना आप, सपोज 32 लाख अगर करेक्ट आंसर है तो ये कैसे निकाला आपने।
तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन 7 में रिफंड की एंट्री भी बनानी है और साथ में ये भी कैलकुलेशन शो करना है कि ये 32 लाख का अमाउंट कैसे आया और ये 12 लाख का कैसे आया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस लिख दो अमाउंट। तो ये तो नॉर्मल बेस है हमारे अकाउंट्स के पेपर का कि आपने जो भी अमाउंट निकाला है आपको शो करना पड़ेगा कैसे निकाला है। तो जर्नल एंट्री भी आप बताना क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें भी अलग अलग आंसर आएंगे। तो भाई आपके हिसाब से जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिफंड करेंगे हम ग्रांट को तो फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो फर्स्ट केस में आप बता रहे हो फिक्स्ड एसेट टू बैंक 16 लाख। मर्ज नहीं करी आपने, सेपरेट करी है। अब जब आप अलग अलग दिखा रहे हो DGG और PNL टू बैंक 16। हाँ बताओ। तो यानी कि सेकंड केस में आप कह रहे हो ऐसे नहीं दिखाएंगे, कैसे बताएंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक 16 लाख। ठीक है, दो ऑप्शन आ गए और देखो। इन ये जो दो ऑप्शंस आए हैं ना आंसर, देखो इन दो ऑप्शंस में ना फर्क ये है, जब हमने ग्रांट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाला होगा तब क्या एंट्री बनाई होगी? जब हमें ग्रांट मिली होगी और हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कितने की ग्रांट मिली है? 16 लाख की। ठीक है, फिर उसके बाद साल के एंड में हमने क्या किया होगा? हमने किया होगा भाई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू PNL, वो एक अमाउंट आपने निकाला होगा। ऐसी हमने अगले साल भी किया होगा। फिर हमें उसके अगले साल थर्ड ईयर में पता चला, देखो ये हमने फर्स्ट ईयर में किया, फिर सेकंड ईयर में हमने फिर से किया डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू PNL और थर्ड ईयर में ये हो रहा है रिफंड। तो जब हम रिफंड कर रहे हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करेंगे तो कितना कर पाएंगे? जितना बैलेंस बचा होगा। अब पूरा तो नहीं कर सकते ना, जितना यहाँ पर क्रेडिट है, फिर आपने डेबिट कर दिया, फिर डेबिट कर दिया, तो जितना बैलेंस बचा होगा उतना ही गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट कर पाएंगे ना। ज़्यादा कैसे कर देंगे, माइनस में कैसे चला जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में 16 लाख है ही नहीं तो फिर नहीं कर सकते डेबिट। तो क्या करेंगे? जितना है उससे DGG डेबिट कर दो, बाकी तो भाई अकाउंट में जिसका कोई नहीं होता उसका PNL होता है। तो अगर DGG अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो बाकी कहाँ पे चला जाएगा? PNL अकाउंट में। तो अब आप चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस है तो DGG टू बैंक 16 बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है।
16 का तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, हम तो पीएनएल डेबिट कर चुके हैं 2 बार। तो ये आंसर बनेगा करेक्ट। अब आप देखो ये अमाउंट आ रहा है या नहीं। डीजीजी अकाउंट में 8 लाख का ही बैलेंस बचा होगा, तो इतना ही डेबिट कर सकते हैं। आराम से चेक करके देखो। हाँ, तो इसीलिए 2 बैंक पूरा अमाउंट आएगा 16। तो गवर्नमेंट को तो ग्रांट का पैसा हम पूरा वापस करेंगे, तो 2 बैंक तो 16 ही आएगा। बात यह कि हम हमारी बुक्स में क्या डेबिट करेंगे, तो जितना डीजीजी में बैलेंस है उतना डेबिट करेंगे, बचा हुआ पीएनएल से डेबिट कर देंगे। हाँ जी, चेक करें दोनों क्वेश्चन 6 और 7, या अभी कर रहे हो? कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, दो बार ही क्रेडिट कर रहे हैं? नहीं, ये तो दो अलग अलग केसेस है ना। ईदर वन और सेकंड क्वेश्चन ने आपसे पूछा, अगर फर्स्ट केस होता तो क्या एंट्री बनाते, सेकंड केस होता तो क्या एंट्री बनाते। हाँ, सेकंड केस होता तो रिफंड की एंट्री ये वाली बनती। तो अगर हमने ग्रांट डीजीजी में डाला था तो रिफंड इस तरीके से होता,
और ग्रांट अगर हमने फिक्स एसेट अकाउंट में डाला था तो रिफंड ऐसे होता। कर लिया सबने, चेक करें आंसर। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में बताओ कि भाई आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा है कि भाई सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 2500 लाख्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज। इसका मतलब सेकंड टाइप ऑफ ग्रांट है। ग्रांट में कंडीशंस थी, हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 16-17 कंडीशंस वर नॉट कंप्लाइड विद एंड ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इल्यूसिडेट द करंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ AS 12। तो आप क्या आंसर लिखोगे इसमें? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 टाइटल्ड अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रांट नहीं है, रेवेन्यू नेचर ग्रांट है। तो क्या लिखें? AS 12 स्टार्टिंग करें, फिर आगे क्या लिखें? फर्स्ट लाइन क्या लें हम इस केस में? तो फर्स्ट लाइन क्या बनाओगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि जब भी हम ग्रांट रिसीव करते हैं विच इज एज रेवेन्यू नेचर, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। इट कैन बी ईदर क्रेडिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट अकॉर्डिंगली एट द टाइम ऑफ रिफंड। अब जब आप लिखना शुरू करोगे रिफंड, तो रिफंड आप लिखोगे और अपना आंसर बताओगे दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। ऑप्शन वन क्या है? इफ ग्रांट रिसीव्ड, इफ ग्रांट रिसीव्ड वॉज चार्ज्ड टू, कौन सा खर्चा आ रहा है? वेलफेयर एक्टिविटीज का खर्चा आ रहा है। इफ इट वॉज चार्ज्ड टू वेलफेयर एक्टिविटीज एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने आंसर स्टार्ट किया कि AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू नेचर ग्रांट है उसको रिसीव करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने के दो तरीके होते हैं। अकॉर्डिंगली अगर ये ग्रांट रिफंड हो जाती है लेटर ऑन, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी? अगर हमने इसको चार्ज किया था टू एक्सपेंस अकाउंट, तो हम दिखाएंगे रिफंड के समय दो एंट्री होनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आपको दिया हुआ है ना 2500 लाख, पहली एंट्री ये बनेगी। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस टू गवर्नमेंट ग्रांट, तो भाई वेलफेयर एक्सपेंस टू गवर्नमेंट ग्रांट। फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पूरा लिखेंगे तब फाइव मार्क्स मिलेंगे। रिफंड पूछ रहे हैं आपसे, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या दूसरा ऑप्शन, इफ ग्रांट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू P&L। अगर हमने इसे P&L में डाला हुआ था तो फिर रिफंड के समय क्या करेंगे? पहली एंट्री तो वही बनेगी, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक, ₹2500 लाख, और दूसरी बन जाएगी P&L टू गवर्नमेंट ग्रांट।
तो देखो इस तरीके से लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. हाँ जी हाँ, खर्चा डेबिट हो रहा है और इस खर्चे में गवर्नमेंट ने हमें 2500 लाख रुपए दे दिए हैं. तो जो जितना भी हमारा खर्चा हुआ होगा उसमें से 2500 लाख कम हो जाएंगे. तो हमने कम किए होंगे तो हमने खर्चे को क्रेडिट किया होगा क्योंकि हमने उस समय एंट्री डाली होगी गवर्नमेंट ग्रांट टू एक्सपेंस. और अब जब ये रिफंड हो रहा है तो खर्चा वापस बढ़ जाएगा. तो इसलिए खर्चे को फिर से डेबिट किया 2500 लाख से टू गवर्नमेंट ग्रांट. तो इस तरीके से लिख कर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा पूरा. फिर से याद दिला दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स सिर्फ एएस होगा, कंपलसरी क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है. तो इस तरीके से हम लिख कर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6. तो आपकी इजाज़त हो तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 पर. तो क्वेश्चन नंबर 7, दोनों केसेस में हमें बतानी है जर्नल एंट्री अगर ग्रांट हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे डाला. तो देखो अमाउंट तो आपने निकाल लिया, एक बार फिर से देख ले निकाला कैसे. फर्स्ट केस की बात करें, जब हमने ग्रांट को दिखाया फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, ग्रांट वॉज चार्ज टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन देखें फर्स्ट ईयर की हमने कितनी लगाई होगी. तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन देखें तो आप बता रहे हो 4. हाँ, तो कैसे निकाला, हमने कहा भाई 40 का एसेट था, 16 की मिल गई ग्रांट और ग्रांट से हमने एसेट की कॉस्ट को कर दिया रिड्यूस. तो एसेट हो गया 40 माइनस 16, 24 का. फिर माइनस कर देते हैं स्क्रैप 8 लाख और डिवाइड कर देते हैं ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ से, वो कितना आ रहा है 4. तो ये डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 4 लाख. तो अगर ग्रांट को हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट से चार्ज किया तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट कम हो गई, एसएलएम डेप्रिसिएशन लगाया, पहले साल की डेप्शन आ गई 4 लाख. फिर हमने सेकंड ईयर भी लगाया डेप्रिसिएशन, एसएलएम लग रहा है सेम लगेगा, 4 लाख का डेप्रिसिएशन. फिर देखिए थर्ड ईयर लगा पाए या नहीं, थर्ड ईयर नहीं लगा पाए. थर्ड ईयर में हमारी ग्रांट जो है वो हो गई रिफंड. तो पहले तो यहाँ तक देखिए वैल्यू कितनी आ रही थी फिक्स्ड एसेट की सेकंड ईयर के बाद, कितना वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर सेकंड ईयर. तो हमने कहा फिक्स्ड एसेट था 24 का, फिर हमने माइनस किया 4, फिर माइनस किया 4, तो फिक्स एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आ रही है 16 लाख. थर्ड ईयर में हमने कर दिया है ग्रांट को रिफंड, तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर सेकंड ईयर का मतलब है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. थर्ड ईयर में ग्रांट हो रही है रिफंड, तो यहीं पर ऐड करेंगे रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. ग्रांट को रिफंड करा 16 लाख से, अब ये आई वैल्यू जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई रिफंड के बाद वैल्यू कितनी आ रही है. हमने कहा रिफंड के बाद वैल्यू आ रही है 32 लाख. देखें क्या आपने यही आंसर निकाला था,
हाँ यही आंसर निकाला था, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट 32 लाख। डेप्रिसिएशन पे दो ऑप्शन आ रहे थे, चेक करते हैं क्या होगा करेक्ट। फर्स्ट ही ठीक है। हाँ तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जो क्वेश्चन ने पूछा वो है 32 लाख। अब हम साथ में निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? कॉस्ट ले लेंगे 32 लाख। स्क्रैप क्या बदलेगा? स्क्रैप नहीं बदलेगा, स्क्रैप रहेगा 8 लाख जो पहले था। क्या लाइफ बदल जाएगी? हाँ, क्योंकि टोटल 4 साल थे लेकिन इसमें से 2 साल निकल चुके हैं अब, क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो इसमें से 2 साल निकल गए हैं। अब ये देखो करेक्ट डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 12 लाख। तो फिक्स एसेट की वैल्यू आ रही है 32 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 12 लाख की, और साथ में लिखेंगे जर्नल एंट्री। ये होगा आंसर कंप्लीट फर्स्ट पार्ट का। जर्नल एंट्री रिफंड की बन रही है, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक। एसेट का नाम है मशीनरी, तो मशीनरी टू बैंक। रिफंड का अमाउंट 16 लाख। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट का आंसर। इतना लिखने पर 2.5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स हैं दोनों पार्ट के लिए। तो एएस का कोई भी क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, अनलेस इट इज AS 3 और AS 13, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था उसको हम AS मानते ही नहीं है, उसको हम चैप्टर मानते हैं। AS 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS 13 है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो ये वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के नहीं है, ये बड़े हैं 10, 12, 16, 20। बाकी AS का कोई भी क्वेश्चन आएगा छोटा होगा 5 मार्क्स का, लेकिन चॉइस कोई नहीं होगी, करने सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड केस। अगर हम ग्रांट को ले गए डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट में, ये DGG क्लास में ही लिख रहे हैं, पेपर में तो पूरा लिखना पड़ेगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट खोला है तो दोनों चीज़ें दिखाते हैं, मशीनरी अकाउंट में क्या हो रहा होगा और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में क्या हो रहा होगा। मशीनरी की कॉस्ट लिखते हैं 40 लाख, फिर हमें मिली ग्रांट, सोलह लाख ये चला गया डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट को हमने टच नहीं करा। फिर लगाते हैं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, एट लाख। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का तरीका इस बार 40 लाख माइनस 8 लाख अपॉन में 4 ईयर्स, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का रहेगा 8 लाख। साथ में दिखाएंगे
डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट चार्ज टू पीएनडीएल. डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पीएनडीएल में डालें तो कैसे निकालें? 16 लाख अपॉन में 4 एसएलएम बेसिस, तो भाई 16 लाख अपॉन में 4, तो 4 लाख की डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट चली गई पीएनडीएल में. अब देखते हैं बैलेंस. तो बिल्कुल इस तरीके से हम पेपर में कर कर आ रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम जो अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना कि कैलसी पे कैलकुलेट कर लिया और पेपर पे लिखा नहीं. और कोई भी चीज़ ऐसा मत करना जो ज़रूरत ही नहीं है वो हमने लिख दिया. तो बेसिक सी बात है, जो कैलकुलेशन है वो हम लिखेंगे. तो अब देखो बैलेंस चेक कर लें, 32 लाख, और ये हो गया 12 लाख. ये तो फर्स्ट ईयर के बाद है, अभी आगे चलेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, या इसमें डेप्रिसिएशन और ग्रांट दोनों हैं, तो हमने सिंपली लिखा अमाउंट चार्ज टू पीएनडीएल. फिक्स एसेट पर लगाई डेप्रिसिएशन 8 लाख की, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से 4 लाख हमने पीएनडीएल में लेकर गए. चार्ज की जगह शोन करते हैं इसको. क्यों चेंज किया मैंने? मैंने कहा चार्ज वर्ड नहीं, शोन आएगा. चार्ज का मतलब है डेबिट करना, डेप्रिसिएशन डेबिट कर रहे हैं, लेकिन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट कर रहे हैं. तो इसलिए फिर अमाउंट शोन इन पीएनडीएल 8 लाख, 4 लाख, फिर निकाल लेते हैं बैलेंस. चौबीस लाख और 8 लाख. आ गए हम थर्ड ईयर में. अब करना है ग्रांट रिफंड. अच्छा, ऐड तो करना ही नहीं, हमारा तो सेकंड मेथड चल रहा है जहां पर हमने डीजीजी अकाउंट से डाला. तो यहां पर अब हमने कहा ग्रांट रिफंड हो गई है. ग्रांट रिफंडेड. फिक्स्ड एसेट अकाउंट से कुछ नहीं करेंगे, डीजीजी से क्या करेंगे, सारा बैलेंस माइनस. तो ये डीजीजी अकाउंट हमारा खत्म हो गया. और लॉजिकल सी बात है, जैसी ग्रांट रिफंड हुई डीजीजी अकाउंट हमारा फिनिश हो जाना चाहिए. यहाँ से माइनस कर दिया 8 लाख, और फिक्स्ड एसेट का बैलेंस रिफंड के बाद कितना आ गया? 24 लाख. क्या यही आंसर निकाला था आपने? यही आंसर निकाला था, 24 लाख. और फिर देख लेते हैं डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, 8 लाख, कुछ चेंज हुआ ही नहीं इसमें. तो डेप्रिसिएशन के बाद 16 लाख. ठीक है, ठीक चल रहा है? हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन? देखो, अगर तो सबको समझ में आ रहा है तो हम साथ साथ हैं. अगर आपने कहा मैम ये क्या हो रहा है, तो हम आपके हैं कौन? तो हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन? साथ साथ हैं. क्या कह रहे हो? ठीक, क्या था ये? कैसे, मतलब कैसे कनेक्ट होगा ये? अगर तुम्हारा सब सारा आंसर आ गया तो टाइगर जिंदा है, नहीं तो मर गया. तो देखो भाई, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन, बैलेंस आ गया लास्ट में. कुछ बनाना है या आंसर कंप्लीट है? जर्नल एंट्री बनानी है, ज़रूर बनानी है. तो लास्ट में जर्नल एंट्री. ज़्यादा ऐसे मत करो, 5 नंबर लेने हैं तो पूरा काम करना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए कोई आलस नहीं, क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे फिर आराम.
तो लास्ट में एंट्री बनानी है, एंट्री बना देते हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 8 लाख, क्योंकि इतना ही बैलेंस आ रहा था। फिर लिख देते हैं टू बैंक 16 लाख, और डिफरेंस डाल देंगे P&L में। तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन तो 8 बजे तक भी ख़त्म नहीं होने वाले। मैम ने कहा था जैसे ही ख़त्म करोगे वैसे ही क्लास ख़त्म। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन आप करो फिर डिस्कस करेंगे आंसर। 8, 10, 12, 14 तुमने 9th कर लिया। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। चलो लाइफ में सब अच्छा अच्छा ही होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सच्ची सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। तो आपने जो प्रैक्टिस करी उसका फल भी आपको जल्दी मिलेगा। चारों क्वेश्चंस हो गए, 8, 10, 12, 14 एंड तक तुमने सारी कर लिए। देखो ये होते हैं बच्चे, सबके तुम सबके सिर पे हाथ रख दो आज। चलिए प्लीज़ आराम से कीजिएगा, 8, 10, 12, 14 आराम से आंसर भी देखिएगा कि पेपर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, हल्का सा अंदाज़ा लग गया है। 5 मार्क्स पूरे लेने हैं तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आंसर। एट्थ और टेंथ जिसका हो जाए आप यहाँ पर आकर आंसर लिखो। अगर आपने सही सही लिखा तो चॉकलेट आपकी प्रॉपरली जैसे आप पेपर में लिखोगे। तो अभी इस बार 2 क्वेश्चंस पर 1 चॉकलेट है, तो 8 और 10 दोनों अच्छे से करना पड़ेगा, फिर 1 चॉकलेट आपकी।
हाँ जी, कौन करेगा 8th और 10th? कोशिश तो करनी पड़ेगी लिखने की, क्योंकि उसी से हमारी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए, स्टार्टिंग बिल्कुल करेक्ट है। हमने AS2 के अंदर सीखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर्स को लिखेंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हम पैरा नंबर का रेफरेंस दे रहे हैं, तो एज पर पैरा ऑफ AS का नंबर, फिर टाइटल्ड पूरा नाम, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
तो अभी यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि वो जो ग्रांट हमें मिली है उसका नेचर कौन सा है, तो वो हम ज़रूर बताएंगे। इसका नेचर है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मीनिंग हमने समझा था, इसका मतलब क्या होता है, जब टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। सो वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ दे आर गिवन विद रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग। Or by way of contribution towards its total total outlay। आप ये लाइन छोड़ भी सकते हो, और के बाद वाली, और से पहले जितना लिखा उतना sufficient है। Promoter's contribution given with reference to total investment in an undertaking। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, विद रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग, उतना सफिशिएंट है, आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। वो आपकी चॉइस है, लर्न है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। पैराग्राफ नंबर ना लिखने से मार्क्स नहीं कटते, सिर्फ ये होता है कि लिखने से हमारा पेपर रैंक होल्डर पेपर लगने लगता है, इतना डिफरेंस है। वेरी गुड, आगे ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, इट कैन नॉट बी विच कैन बी नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि क्या डिविडेंड दे सकते हैं क्या जो उन्होंने दे दिया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं दे सकते, नीदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉर कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम। क्या इस ग्रांट के दो ट्रीटमेंट थे? नहीं, इसका सिर्फ एक ही था, बैंक टू कैपिटल रिजर्व, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। डेफर्ड इनकम भी नहीं मानेंगे, इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, हमें ये बताना था डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन। फिर देखो सेकंड पार्ट, नहीं बस ये सफिशिएंट है, फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ, सेकेंड पार्ट भी पहले, सेकेंड पार्ट का आंसर करोगे ना, ये तो डिविडेंड आ गया और अगला पार्ट, दो पार्ट है ना क्वेश्चन के अंदर, भूल गए? चॉकलेट तो गई अब तो इन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा है, अब कौन कंप्लीट करेगा उसकी चॉकलेट, तो कोई बात नहीं अगली बार। और रजिस्टर में देखो लिख कर आना है, ठीक है, आपने लिखा आ जाओ, मैं बता रही हूँ सारी चॉकलेट ये लेकर जाने वाली है, मुझे चॉकलेट फंड बनाना पड़ेगा इसके नाम से। क्या नाम है आपका? आरती, भारती, भारती चॉकलेट फंड बनेगा इस बैच में, सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स भारती ने लिए हैं।
तो उम्मीद है सबको याद होगा, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कुछ तो कैसे दिखाना है? नॉमिनल वैल्यू पर. वेरी गुड. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, तो कंसेशनल रेट वाला पोर्शन हटा दो. ये भी देखना पड़ेगा ना, हम सिर्फ रेलेवेंट लिखेंगे, क्या ज़रूरत है, हटा दो इसको कंसेशनल रेट वाले पार्ट को. क्वेश्चन कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट बताओ. द गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्विजिशन कॉस्ट. नहीं, ये सारा आपने कंसेशनल वाले का लिखा है ना, ये पूरी लाइन हटा देंगे. हमें ये भी देखना है ना, सिर्फ रेलेवेंट लिखेंगे हम. हमने क्लास में किया था, दोनों को इकट्ठे लिखा था, कंसेशनल रेट फ्री ऑफ कॉस्ट. क्वेश्चन पूछ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिर्फ उतना बताओ. पेपर में बाकी क्वेश्चन भी हैं कंपल्सरी के अलावा, वो भी करने हैं, तो रेलेवेंट रेलेवेंट पार्ट लिखेंगे. If government gives grants in the form of non-monetary assets, it should be recorded at nominal value. Very good. बस और कुछ लिखा आपने? नहीं, इस पार्ट के लिए. वो तो फर्स्ट पार्ट का बता रहे हो ना आप. तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर लिख लिया था ना हमने. सेकेंड में बस और कुछ लिखा? नहीं, सेकेंड में इतना ही सफिशिएंट है. एक लाइन आएगी, खत्म. लास्ट में कंक्लूजन. बस कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम? जो उनका ट्रीटमेंट है वो गलत है. ये लाइन ज़रूर लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है उनका ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं. तो आप बोलोगे बोथ द ट्रीटमेंट आर इनकरेक्ट. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो उन्होंने पूछा क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते. सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा? लैंड को कैसे दिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? हमने कहा नॉमिनल वैल्यू पर दिखाएंगे. यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ एट नॉमिनल वैल्यू. वेरी गुड. आगे चलें क्वेश्चन 10 की तरफ. देखो क्वेश्चन 8 कोई लिख रहा है तो आराम से नोट डाउन कर लीजिए. ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है. और जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, एक सेकेंड पेन देना, उसमें से भी रेलेवेंट लेंगे हम. फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक सफिशिएंट है. बस इतना सफिशिएंट है, इतना लिखना है. ये हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर है. पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे. आराम से देखिए, सब लिख लें तो ओके करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे. डन. चलें आगे फिर. ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ. ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है. हाँ जी, जर्नल एंट्री बनाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है. एक इंट्रोडक्टरी लाइन और होनी चाहिए. इंट्रोडक्टरी लाइन जो आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, तो उसमें क्या करना, जो ये कैपिटल रिजर्व वाला ट्रीटमेंट है वो स्टेटमेंट में भी लिख दो. तो एक स्टेटमेंट लिख दो और जर्नल एंट्री, आंसर हमारा कंप्लीट है.
5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री लिख दी, एक स्टेटमेंट और लिख दें कि ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैपिटल रिजर्व पे चार्ज करना एज पर AS 12 टाइटल्ड। ज़रूर लिखना है, भूलना नहीं है। AS का नंबर भी आएगा, नाम भी आएगा। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, यही लाइन लिखनी है हमें। वेयर द ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज दे आर गिवन विद रेफरेंस टू, कोशिश करना धीरे धीरे लर्न करने की, टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग। In an undertaking, comma, the grant are treated as capital reserve. Very good, absolutely correct. एक और चॉकलेट हो गई भारती के नाम। Very good. देखिए please आराम से question 8 और question 10. ठीक है, कर लिया सबने? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आप सिर्फ बताओ कि हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ रेवेन्यू ग्रांट ऑफ ₹10 crores ड्यूरिंग 6-7 फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉयज। The grant prescribed the condition for utilization. However, during the year 8-9, it was found that conditions were not fulfilled and the grant should be refunded to the government. State how this matter will be dealt with in the financial statements for the year ended 8-9. तो सोचो कि इसके आंसर में क्या लिखेंगे, क्या लिखें इसके आंसर में। ठीक है, लिखने से पहले ओरली सोचो और बताओ। दो ऑप्शन है हमारे पास, वो लिखेंगे किस चीज के, ग्रांट रिसीव करने की एंट्री दिखाएं कि रिफंड करने की दिखाएं। तो आप कह रहे हो रिसीव्ड और रिफंड दोनों, बाकी बच्चे बताओ। ग्रांट रिसीव करने की एंट्री के ऑप्शंस बताएं, रिफंड के बताएं या दोनों के बताएं। रिफंड के बताएंगे, दोनों के बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसके ऑप्शन बताएंगे, रिफंड के, क्योंकि ट्रीटमेंट हमसे किसका पूछा है, रिफंड का। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें आंसर में क्या बताना है, क्योंकि कहीं अगर हमने बहुत एक्स्ट्रा बता दिया तो पेपर में टाइम कंस्ट्रेंट आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें सिर्फ क्या बताएंगे, रिफंड। कैसे बताएंगे, तो देखो हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन 6 में, बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे। तो आप वहीं पर साथ में लिख लो
कैसे लिखेंगे? जस्ट एज शोन इन क्वेश्चन नंबर 6. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे. तो अभी फिर हम दोबारा नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये करके फिर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, उसका भी आंसर सोचो क्या करेंगे. माइंड में बताओ, माइंड में आंसर बनाओ कि लिखेंगे क्या क्या. क्वेश्चन 14. हाँ जी, कौन बताएगा क्या लिखेंगे? चलो सुजल, आप बताओ क्या लिखेंगे इसके आंसर में, हम क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में. हाँ जी, नेचर बताएंगे. क्या नेचर है इस ग्रांट का? ग्रांट इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने बता दिया ग्रांट का नेचर, है ना? सबको समझ में आई बात? धीरे धीरे दोस्ती होने लगी है कि भाई इसमें तो हम क्या करेंगे, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देंगे. कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, या तो फिक्स्ड एसेट पे चार्ज कर दो या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ओपन कर दो. दोनों की फर्स्ट फर्स्ट एंट्री शो कर देना, लिख देना और फर्स्ट एंट्री शो कर देना. कर लोगे अगले क्वेश्चन पे चले, है ना? ये तो लिख दोगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. अब क्वेश्चन नंबर 9 करो आराम से. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, बस थक गए ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं लास्ट. जिसने कर लिया वो यहाँ पर आके सॉल्व करे, सही है तो फिर चॉकलेट. तो आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो कर ले वो यहाँ पर आकर सॉल्व करे प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन के साथ. आपने कर लिया ना? ज़बरदस्ती बुलाना पड़ेगा? नहीं, बार बार तुम कब आए हो यहाँ पर? यहाँ पर करना, यहाँ पर पहला पहला पहली पहली बार है. यहाँ पर आकर सॉल्व करो. हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए, बिल्कुल जैसे पेपर में करेंगे वैसी करना है. क्योंकि ये बात आप ध्यान रखना, पेपर से पहले की मेहनत एक पार्ट होता है और पेपर के 3 घंटे एक पार्ट होता है. आप पहले कितनी भी मेहनत कर लो, अगर वो 3 घंटे में कमी रह गई तो वो कमी रह जाती है.
तो इसलिए वो 3 घंटे पेपर कैसे कर रहे हैं हम, वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बारी बारी इस बात को सीख रहे हैं कि पेपर में आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, अब कर लो अच्छे से। तो देखो देखना क्या क्या होगा आपको। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट। तो एक तो हमें जर्नल एंट्री बतानी होगी रिफंड की। उसके बाद कह रहे हैं एंड द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिर से हमें बताना है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कब, आफ्टर रिफंड। रिफंड के बाद वैल्यू आएगी कितनी। फिर बताना है डेप्रिसिएशन 10-11 का। फिर ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखें, सेम है। फर्स्ट पार्ट है डेफर्ड इनकम और सेकेंड है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड इफ ग्रांट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। तो फिर से बताना है जर्नल एंट्री रिफंड का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गलती के चांसेस बहुत हैं। अमाउंट्स ध्यान से देखना, डेट्स ध्यान से देखना। जर्नल एंट्री बनानी है इफ ग्रांट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्लांट अज्यूमिंग प्लांट अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ 84 लाख। सेकेंड पार्ट में सिर्फ जर्नल एंट्री है, फर्स्ट पार्ट में जर्नल एंट्री, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वाले पार्ट में
हाँ, जो कॉस्ट है वो पूछा है सेकंड पार्ट में आपसे. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इफ़ द ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट. इसका मतलब ऑटोमेटिकली फर्स्ट पार्ट क्या है? अगर हमने उसको डेफर किया हुआ है. बन रही है कोई एंट्री? अगर हम दिखा रहे हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट तो एंट्री क्या बनाएंगे? और क्वेश्चन ने पूछा है डेप्रिसिएशन क्या रहेगी. शायद बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि अगर हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डाल देते हैं तो डेप्रिसिएशन पर, फिक्स एसेट की वैल्यू पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता है. तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डालने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाद में ग्रांट वापस आ जाए, वापस करनी पड़े, तो फिक्स एसेट को चेंज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं करेंगे. जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा. ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना एंट्री क्या बनाई है जब बना लो. क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास डीजीजी में 21 लाख का बैलेंस आ रहा है, WDV 105 लाख आ रही है प्लांट की. तो अगर ग्रांट को रिफंड करें तो एंट्री क्या बनाएंगे? बना ली क्या एंट्री बनाएंगे? एब्सोल्यूटली करेक्ट. तो हमने भाई एंट्री बनाई, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. हमने कहा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट. कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 21 लाख से. जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा डेबिट नहीं कर सकते. तो बैलेंस 21 लाख है तो हमने कहा डेबिट कर दो 21 लाख से. और टू बैंक 30. गवर्नमेंट को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? सारा 30 लाख. तो डिफरेंस कहाँ डालें? तो जिसका कोई नहीं होता उसका P&L होता है अकाउंट्स में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिफरेंस से 9 लाख. और इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. इस बार हमने वैल्यू निकाली नहीं, पहले हम लोग निकाल रहे थे. इस बार हमने निकाली नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखी है. पहले तो दी नहीं थी तो हमने निकाली थी, क्वेश्चन ने दे रखा है. तो अभी हम सिर्फ वो बोलेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड इन द सिमिलर मैनर. जैसे लगा रहे थे वैसे लगाते रहो.
पहले वाले क्वेश्चन में हमने सारे अमाउंट्स निकाले थे क्योंकि निकालने थे. यहाँ पर निकला हुआ है वैल्यू, तो हमने कहा ठीक है वही वैल्यू रहेगी और डेप्रिसिएशन जैसे लगा रहे थे वैसे लगाते रहो. फिर देखो सेकेंड पार्ट, आराम से देखना, वैल्यू बदल गई है फिक्स्ड एसेट की. रिफंड की एंट्री बता रहे हो. देखो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड पूछा है पहले तो. इफ ग्रांट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, अज्यूमिंग प्लांट अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ 84 लाख्स. जरूरत नहीं है ना, हमें पता ईयर्स कितने हैं, कौन सा मेथड है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, चार्ज्ड ऑन सिमिलर मैनर. कहाँ मांगी है? हाँ तो हमने कहा सिमिलर मैनर में. अच्छा आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? हाँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है, WDV लें तो रेट नहीं है और SLF लें तो हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट है उसको आप जितने ईयर्स में बांट रहे हो बांटते रहो, तो सिमिलर मैनर में लग जाएगी. इसलिए हमने यहाँ पे अमाउंट निकाला नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूरी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया. नहीं तो फिर आप पहले चेक करो 105 लाख कैसे आया. हाँ चेक कर लो आ गया 150/10. एक साल की डेप्रिसिएशन ऐसे ही निकालेंगे 150/10, ये हो गई 15. कितने सालों की लग गई, 3 सालों की 45. तो ये बैलेंस आ रहा है हमारा 105. तो अभी जो हमने लिखा सिमिलर मैनर, आप चाहो तो यहाँ पर बस एक अमाउंट और लिख दो ऑफ ₹15 लाख शैल बी चार्ज्ड इन सिमिलर मैनर ऑफ ₹15 लाख. यही कह रहा था ना दिल आपका, ये लो. तो 150 लाख अपॉन में 10 और साथ में लिख देना मेथड प्रिज्यूम्ड टू बी SLM. तो सिमिलर मैनर भी लिखते तो भी ठीक था, हमने अमाउंट लिख दिया और भी ठीक हो गया. ठीक है फिर देखो सेकंड पार्ट, एंट्री क्या बनाओगे. तो भाई आंसर आया है मशीनरी टू बैंक 30 लाख. तो सेकंड पार्ट कह रहा है अगर हमने एसेट पे चार्ज किया होता और फिर रिफंड हो जाता तो हम एंट्री बनाते मशीनरी टू बैंक. अब यहां पर निकाल लो डेप्रिसिएशन. ₹16,28,000. देखो सभी चेक कर लो यही आ रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो कैसे निकाल रहे हो, 84 लाख का बैलेंस हमें गिवन है, प्लस कर दिया हमने 30 लाख जो हमारा रिफंड का अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 7. वेरी गुड भाई, टोटल 10 थे इसमें से 3 साल निकल गए 7 ईयर्स. तो सेम आंसर आ रहा है जो आप बता रहे हो 16, तो 0.286 कर देती हूँ मैं, लैक्स में आ जाएगा 16.286. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है और क्वेश्चन तो नहीं करने ना, थक गए तुम लोग. अब देखो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं हमारे, एक बार रीडिंग लेकर देख लो, मेरे ख्याल से कर लोगे आप सब. एक बार बचे हुए क्वेश्चंस की रीडिंग लेकर देखो, मुश्किल लग रहा है या सब कुछ सेम लग रहा है. बचे हुए सारे क्वेश्चंस सिमिलर मैनर में हैं. पांच क्वेश्चन हमारे बच गए, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 15, 16, 17. एक बार रीडिंग ले लो, देखो अगर कोई पॉइंट मुश्किल लग रहा है.
हाँ जी हो जाएंगे सॉल्व, सारे सिमिलर हैं। ठीक है फिर कल मिलते हैं, बाय, टाटा, सायोनारा।